नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। तो अब परीक्षा का समय आ चुका है जिसके लिए आप लोग कई महीनों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, और मैंने भी आपका जितना भी साथ दे सका मैंने आपका साथ दिया है, और विश्वास रखिए आप जरूर लाभान्वित होंगे। आपने अगर जो है मुझे फॉलो किया है, चैनल के वीडियोस को देखा है ध्यान से, और कुछ सुझाव जो मैं बीच बीच में देता रहता था उसको अगर आपने माना है, तो 16 सितंबर बस एक दिन का फासला है आपके जो है और पेपर के बीच में। तो देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, खासकर निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम, तो उसमें जितना ज्यादा तैयारी का महत्व होता है उतना ही महत्व जो है उसके मैनेजमेंट का होता है, कि आप किस प्रकार से जो है मैनेज कर रहे हैं पेपर को, किस तरह से आप जो है उसके लिए एक रणनीति सोची समझी बनाकर पेपर में उतरे। तो आज का ये वीडियो जो डालने का मकसद है, ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आपको मैं कुछ टिप्स दे पाऊं कि आप एग्जाम में एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो सामान्य सी बातें हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तैयारी वाले पार्ट से। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फोटो वगैरह की जो उसमें डिमांड है वो सब पूरी कर लीजिए, पेन इत्यादि जो भी उसमें आपको जरूरत है वो ले लीजिए। और जिनको जिनका सेंटर, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कमेंट में बताया कि उनके जो है करंट एड्रेस से सेंटर काफी दूर पहुंच गया है, तो वो अपने सेंटर पे अगर हो सके तो एक दिन पहले अगर शाम को पहुंच जाते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगले दिन जो है सुबह सुबह जो है कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे आप लेट हो जाए तो आपके पेपर को वो प्रभावित कर सकता है। तो ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं जिसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, पेपर्स देते रहते हैं। अब मैं मुख्य बात हम करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए जो जिससे हम इस एग्जाम को अच्छे से जो है सॉल्व कर सकें। तो ये चार सब्जेक्ट हैं, मैंने जनरल साइंस और मैथ को जो है एक साथ लिख दिया है। तो 1, 2, 3, 4, कई बार मैं इसका डिवीजन आपको बता चुका हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा कि यूपी ट्रिपलएससी के सभी नए पेपर्स में हो रहा है। एआरओ में भी बायलिंगुअल था और एक उसी हिंदी के नीचे ही उसका इंग्लिश वर्जन भी दिया होगा, इसलिए आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग हिंदी में कमजोर हैं या जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो दोनों मीडियम के लिए जो है वो पेपर जो है पर्याप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अब बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पेपर को हल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है ये जानना जरूरी है कि व्यायाम प्रशिक्षक वाला जो इसमें से है उसमें जो है कुल 42 पद थे, और युवा कल्याण अधिकारी जो था, युवा कल्याण अधिकारी, उसमें कुल पद थे 652। तो इस तरह से टोटल जो है 694 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है, और जिसमें लगभग 337,395 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यानी इतने आवेदन जो है आयोग को भेजे गए हैं। ये मैंने कहीं पर पेपर में एक दिन पढ़ा था तो नोट कर लिया था। तो ये जो है फिगर हो गई कि इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, यानी 694 पदों के साथ 337,395 फॉर्म, जो कि एक काफी बड़ी संख्या है। और दूसरी चीज, इसमें जो माइनस मार्किंग है वो अब तक की किसी भी परीक्षा में जो आपने दी होगी उतनी नहीं होगी, यानी 1/2 की माइनस मार्किंग है। अगर आपने 2 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 सही प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये पहली चीज हो गई। अब बात करते हैं कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर है जिसमें जो है ये डिवीजन बना हुआ है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम प्लान की बात करें, तो जो लोग एक एवरेज है, मैं मानता हूं कि वो एक सामान्य जो है विद्यार्थी हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोगों की बात अलग होती है, उनको उनको सलाह की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं सक्षम होते हैं। तो आपको रीजनिंग में कम से कम 35 क्वेश्चन जो है जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद जीके की बात आती है जिसमें से आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन और
मैथ में जिन लोगों की मैथ एवरेज है ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 15 क्वेश्चन वो तब भी अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से। और हिंदी, हिंदी जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है इसमें, इसमें मिनिमम 40 क्वेश्चन, वैसे आप 40 से ऊपर करने का भी प्रयास करेंगे। तो जब आप इस तरह से इसको करेंगे तो आप लगभग 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ गया आप, ये आपका प्लान ए है। एवरेज स्टूडेंट जो है जो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को हल करना है तो आपको सबसे पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जो है आप पहले क्वेश्चंस को जो है मार्क कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं। और देखिए 1/2 की निगेटिव मार्किंग है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो इसमें रिस्क केवल वहीं लिया जा सकता है जहां पर आपको ए बी सी डी में आपको दो के बारे में पता है कि ये नहीं हो सकते हैं, और ए पे आपको जो है 75% या 60% विश्वास है और बाकी जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको बी के साथ में, वहां आप निश्चित रूप से रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम से कम उस ऑप्शन पे 60% से 75% तक होना जरूरी है, और आपके पास कंफ्यूजन केवल दो ऑप्शंस में हो ना कि सभी में। अगर आप सभी में कंफ्यूज हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको आपको छूने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका प्लान ए हो गया। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि 150 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं, 150 में अगर आप 10 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि आप कितना भी एक्यूरेसी से जवाब दीजिए, कितना भी कॉन्फिडेंस लाइए, ये ह्यूमन नेचर है कि हम एग्जाम में कंफ्यूज हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप अगर इसमें से 10 क्वेश्चन 150 में से गलत कर रहे हैं तो आपको कितने आपके जो है बनेंगे मार्क्स, आप 140 आपके सही होंगे, 5 नंबर आपके कट जाएंगे और आपको मिलेगा 135 मार्क्स। फिर और बुरी दशा के बारे में सोचते हैं, अगर आप 15 क्वेश्चन 150 में गलत कर देते हैं, यानी आप सही कितने कर रहे हैं, 135 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और 15 क्वेश्चन जो आपने गलत किया उसमें से आपने 7.5 नंबर का खामियाजा भुगता, यानी आपने कितने नंबर मिले, 127.5 नंबर आपको नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चंस जो है आपके सही हुए। नंबर्स के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी यहां पर जरूरत नहीं है करने की। अगर अनफॉर्चुनेटली मतलब आपने आपकी किस्मत बहुत खराब रही या आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए, आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो क्या होगा, 130 आपके सही है, 20 गलत हो गए, 20 का आपका 10 नंबर कट जाएगा, यानी 10 क्वेश्चन चले जाएंगे और आपको जो है 120 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही आएंगे। तो ये हो गया प्लान ए आपका, जिसमें आप आपके पे डिपेंड करता है कि आप इस इन रिस्क में कौन सी श्रेणी में। आप प्लान बी की बात करते हैं कि आप जो है अगर थोड़ा सा जो है आपकी तैयारी अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, आप जो है एसएससी बैकग्राउंड के हैं और आपको मैथ रीजनिंग इत्यादि, क्योंकि जो एसएससी बैकग्राउंड आप में से हैं वो जो है उनकी जो है साइंस भी अच्छी होती है, मैथ भी और रीजनिंग भी मैं मान के चलता हूँ तो अच्छी होती है, तो रीजनिंग में आप यहाँ पर 5 क्वेश्चंस और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप जो है हिंदी, कुछ लोग जो है जो खासकर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अपना 5 नंबर यहां और बढ़ा सकते हैं, यानी इसको हिंदी आप 45 अटेम्प्ट कर सकते हैं और रीजनिंग आप जो है 40 अटेम्प्ट कर सकते हैं, या यही 10 क्वेश्चन। मेरा कुल कहने का मतलब है कि आप इसमें 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जीके में भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीके में 50 में भी आप इसमें 45 कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आपको 160 क्वेश्चंस पर गौर करना है। तो अगर आपने जो है 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है, मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 160 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लेकिन आप क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट हैं,
आपको कितना ज्यादा आप में आत्मविश्वास है ये डिपेंड करता है। तो आप 160 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, अब इसमें हम संभावनाएं खोजते हैं। मान लीजिए आपने 10 प्रश्न गलत, तो 10 प्रश्न गलत कर दिए आपने, यानी 150 क्वेश्चन सही किए हैं, और 10 प्रश्न का खामियाजा आपने भुगता 5 नंबर के रूप में, 5 क्वेश्चन के रूप में, यानी आपने 145 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, क्योंकि 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपके 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत होते ही है, ये मैं एक जो है सामान्य बात कह रहा हूं। फिर अगर आप यहीं पर बात करें कि आपने अगर 15 क्वेश्चन गलत कर दिए इसमें से, तो आपके पास 145 सही क्वेश्चन थे, और उसमें से आपके जो 15 क्वेश्चन गलत हुए, यानी 7.5 जो है क्वेश्चन का जो है मार्क्स आपका लेस हो जाएगा, और आपके पास बचता है 137.5 जो है क्वेश्चन। फिर अगर आप 160 अटेम्प्ट करके 20 क्वेश्चन तक गलती कर देते हैं गलती से, तो आपको 140 में 10 नंबर 10 मार्क्स को जो है 10 क्वेश्चन को घटाना है, और 130 प्रश्न आपके वहां भी सही होंगे। अब बात करते हैं, ये आपने दो प्लान देखे होंगे, इसमें आपको कम से कम एक को फॉलो करना है, और चूंकि पद कम है, फॉर्म जो है 3.37 लाख लगभग फॉर्म पड़े हैं, 1/2 की माइनस मार्किंग है, तो इसमें जो है अनुमान ये है कि मेरिट कम से कम 120 और अधिक से अधिक 130 तक जाएगी। ये क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको नंबर्स में निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि 130 से ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो गलतियां आप करते हैं वही गलतियां अगला स्टूडेंट भी करता है, और इतनी हाई माइनस मार्किंग में ये मत एक्सपेक्ट करिए कि 130, 135 या 140 तक जो है मेरिट जाएगी। होने को कुछ भी कह सक हो सकता है, सबका अपना अपना एक नजरिया होता है, मेरा भी एक अपना अनुभव है पेपर देने का, बहुत से पेपर्स देखे हैं जो है जीवन में, तो मेरा जो है कि हद से हद अगर जा सकती है तो 135, जिससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है, लेकिन अगर आप 125 तक जो है कर रहे हैं सही क्वेश्चंस, निगेटिव मार्किंग से बचकर, यानी निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चंस को हटाकर, फाइनली आप 125 या 130 जो है क्वेश्चंस को ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और कैटेगरी वाइज एससी जो है कम से कम इसमें से अपना 8 से 10 नंबर कम कर लें, और जनरल जो है वो ओबीसी और जनरल लमसम जो है दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, 1-2 नंबर का जो है ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं होता है किसी भी मेरिट में। तो ये तो एक तरीका रहा, अब आपको जो है इसमें देखना है। अब बात करते हैं कि आप जब पेपर आपको मिलता है तो आप स्टार्ट कहां से करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर आपको पेपर मिला और सबसे पहले आपको जो करना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि ये रीजनिंग का पेपर है, तो आपको जो रफ उसमें एक पेज होता है पेपर में, वहां पर ABCD पूरा जो है आप सारे लेटर्स लिख लीजिए, उसके नीचे 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वर्णमाला पर आधारित होंगे, वो क्रम भी हो सकता है, उसमें आपको जो है खुद ही ढूंढना होगा कि कौन सा जो है उसमें सिस्टम आपका काम कर रहा है, और ABCD को उल्टा भी लिखिए, सीधा भी लिखिए, और XYZ उल्टा भी इसको लिखिए, और उसको भी मार्क कर दीजिए, क्योंकि आपने रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो आपको पता है कि उल्टा और सीधा दोनों तरह से जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया जो है आपका तरीका जो है जो आपको सबसे पहला करना चाहिए किसी भी पेपर में जाए जिसमें रीजनिंग हो। अब बात आती है कि इनमें से आप सबसे पहले हल किसको करेंगे, तो जो मेरा सुझाव है इसमें सबसे पहले आप जो है GK देखिए और हिंदी देखिए। देखिए दोस्तों, यहां पर एक समस्या ये है कि आपके पास क्वेश्चंस तो 200 हैं, लेकिन आपके पास समय कितना है, केवल 120 मिनट का समय। तो ये मान के चलिए
कि आपको जो है बहुत ही तेजी से, बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट से इन क्वेश्चंस को हल करना होगा। जिनको मैथ नहीं आती है वो मैथ से शुरुआत कतई मत करें। अगर मैथ के किसी क्वेश्चन में आप उलझ गए तो आप जो है 5-7 मिनट एक क्वेश्चन पे निकाल देंगे और हो सकता है कि दुर्भाग्यवश आप उस क्वेश्चन का सही आंसर भी ना निकाल पाए। तो इस विडंबना से बचने के लिए मैथ से स्टार्टिंग मत करिएगा। आपका जो भी इसमें से फेवरेट एरिया हो, जो भी आपका कंफर्ट जोन हो, अगर आप रीजनिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए, मैथ्स में एक्सपर्ट हैं तो मैथ से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग मैथ में एक्सपर्ट नहीं है या रीजनिंग में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, वैसे एक सामान्य विद्यार्थी रीजनिंग जानता है, रीजनिंग में कोई इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और मैंने आपको 35 का लक्ष्य दिया है, आप कोशिश करिए कि 40 क्वेश्चंस को करिए, इसमें आप निकाल भी लेंगे। देखिए 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत ही एवरेज होंगे, सीधे सीधे किसी ना किसी जो है सीक्वेंस पे या वर्णमाला पे या दिशा वाले क्वेश्चन होंगे, तो उन सब क्वेश्चन को आप आसानी से करते हैं। ए उत्तर दिशा में 200 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ के इधर गया, फिर दाएं मुड़ के इधर गया, वो अपनी पहले की दूरी से कितनी जो है दूर गया, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजी लगेंगे, आराम से आप कर लेंगे। वर्णमाला पे आधारित, बाकी जो है नंबर सीक्वेंसिंग पे आधारित, इस तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, वो आसानी से निकल आएंगे। और कुछ क्वेश्चंस में आपको एक मिनट से भी कम का समय लगेगा। हिंदी में थोड़ा सा आंखें खोल के काम करिएगा, खासकर समास में, संधि में, कारक में, संज्ञा सर्वनाम में, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपको 90% जो पेपर, 90 से 95% तक पेपर जो मैंने पढ़ाया है, कम से कम मैंने 200 वीडियोस UPSSC के लिए आप लोग के लिए बनाए हैं अब तक, और खासकर इसी एग्जाम के लिए। अगर आपने मुझे फॉलो किया है शुरू से तो आप जो है पेपर दे के निकलेंगे, मुझे जरूर एक बार अच्छे से याद करेंगे, और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ, और मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए पेपर देने के बाद। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको चैनल से क्या लाभ हुआ है, कि उससे जो है मुझे अपनी आगे की रणनीति बनाने में एक जो है सोचने का और विचारने का एक अच्छा जो है अवसर मिलेगा। तो जनरल साइंस में आपने बहुत पढ़ा है, मैंने भी आपको पढ़ाया है, जनरल साइंस में आप 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन को अवॉइड करिएगा, जहां भी ज्यादा कंफ्यूजन हो उन क्वेश्चंस को स्किप करते जाइएगा। पहले आप सरसरी निगाह से पूरे पेपर को देख लीजिए, उसमें आप एक जो है अगर आप पेंसिल ले जाते हैं तो एक बार पेंसिल से टेक कर लीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पा रहे हैं, और उसी हिसाब से सेक्शन वाइज जो है आप जो है एक एक कर को हल करिए। साथ में कुछ लोग की आदत होती है आप लोगों में से कि आप लोगों को मान लीजिए 120 मिनट का समय मिला है तो आप जो है 15 मिनट पहले तक केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और OMR सीट को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भरते हैं। फिर लास्ट का जब 10 और 15 मिनट बचता है आप OMR सीट को उठाकर आप जो है बुकलेट से पलट पलट कर भरना स्टार्ट करते हैं। उसमें होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी हड़बड़ाहट आपके मन में आ गई कि अब तो समय कम बचा है, मैं 200 क्वेश्चन को कैसे इसमें फिल कर पाऊंगा, तो तुरंत आपने मान लीजिए 1, 2, 3, 4 है आपने ABCD भरना का, और आपने कहीं भी एक सीक्वेंस बीच में गलत कर दिया, मिस कर गए, तो आप कम से कम आगे के 2-3 क्वेश्चन को गलत भर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, अगर आप वहां पर भी और हड़बड़ा गए तो आप जो है कोई ना कोई उसमें जुगाड़ ढूंढेंगे कि इसको सही कैसे किया जाए, आप ब्लेड वगैरह मांगेंगे या अगर हो कहीं से किसी तरह से उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, उस मिटाने की कोशिश में आप अपना समय खराब करेंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि OMR सीट को आप जैसे ही कम से कम 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कॉन्फिडेंस से, पहले उनको भर जाइए। दूसरी चीज, चूंकि आपको सारे क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चंस को भरते समय OMR सीट में बहुत ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 है
और आपने पहला दूसरा क्वेश्चन किया है, आपने उसको फिल कर दिया और आपको तीसरा क्वेश्चन स्किप करना था, तो आप जरूर ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा स्किप करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो चौथे के लिए जो ऑप्शन सोच रखा है वो आप तीसरे में गलती से भर दें। इसलिए ओएमआर सीट को जहां पर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उन एग्जाम्स में ओएमआर सीट का भरने के लिए बहुत ही सजगता का आपको परिचय देना होगा। एक्टिव होके सोच समझ के आप भरेंगे, आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी गलतियां होती हैं जो खुद के लिए अक्षम्य हो जाती हैं। आपकी 3-4-5 महीने की मेहनत जो है छोटी सी जो है एक गलती जो है उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो ये सब दोस्तों कुछ जरूरी बातें थी जो है जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। पेपर इतना टफ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है, लेकिन पेपर इजी होगा। आपने अगर यूपी ट्रिपल एससी आरओ का पेपर देखा है, दिया भी होगा, लगभग लगभग वो लेवल रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा टफ के उसमें ना पड़िएगा। और आपने अगर मॉडल सीरीज मेरी जो है लगातार देखी है, जो मॉडल पेपर्स मैंने कराए थे 8 हिंदी के, 8 जीके और साइंस के, तो आपको उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। तो मैं बस आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगर आप मेरे वास्तव में फॉलोवर हैं, आपने मुझे फॉलो किया है, सही से वीडियोस को देखा है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए 125 और 130 क्वेश्चन का लक्ष्य कुछ भी नहीं है। आप इसको पाएंगे और आप इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जरूर सफल होंगे। बस अपना आत्मबल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना संयम सब कुछ बना के रखिएगा। को छोटी छोटी गलतियां जहां पर होती है मैंने बताया आपको, उन सब चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। शुरू से ही ओएमआर सीट में जहां से रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इत्यादि भरा जाता है, वहीं से बहुत विशेष सावधानी के साथ ओएमआर सीट को भरिएगा। और क्वेश्चंस के सिलेक्शन पे जरूर ध्यान रखिएगा। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो उसको स्किप करिएगा। जो आप आसानी से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकें पहले उन क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। जो लोग मैथ से घबराते हैं या उनकी मैथ ऐसी नहीं है कि मैथ को बहुत तेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो श्योर है कि मैथ को आखिरी के लिए छोड़िए। आखिरी में जो समय बचेगा उसमें सॉल्व करके देखिएगा, 10-12 क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएंगे और उतना पर्याप्त होगा आपके लिए अगर आपने और सेक्शंस को अच्छे से किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मानते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, कम से कम मेरे चैनल पर 50 लोग जो है ऐसे जरूर होंगे जो इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आप बहुत अच्छा करिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए। पेपर इसमें नहीं मिलेगा सेम डे, पेपर अगले दिन, जैसा कि बताया गया है कि पेपर अगले दिन जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा हर सीरीज का अलग अलग। तो जैसे ही अपलोड होगा और मुझे जैसे ही प्राप्त हो जाएगा मैं उसका आपको एक ऑथेंटिक हल दूंगा, इसलिए परेशान मत होइए, शांत मन से जाइए, तनाव मुक्त होके जाइए, पेपर दीजिए। और आपने अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी मेहनत जो है किसी की व्यर्थ नहीं जाती है। बस अपना संयम और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। जो गलतियां सब करते हैं उनसे बचिएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है वी साइन के साथ जो है बाहर निकले, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।